थ्री फिगर्स विदाउट एंड विल अपीयर इन द स्काई. थ्री फिगर्स विदाउट एंड. विदाउट एंड. अच्छा, नीचे वाला पर्सन नहीं है. नहीं है. ओके. तीन तो फिगर आदमी जैसा तीन है. तीन तो विल अपीयर इन द स्काई. वो आकाश में दिखाई देंगे. अच्छा, जब दिखाई देंगे भक्तजन प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे रक्षा होने के लिए. इन लोगों का प्रार्थना जब खत्म होगा वो डिसाइपियर कर लेंगे. अच्छा, इट विल इनविजिबल. हाँ, ओके, दे विल बी इनविजिबल इन द स्काई. ये है एक मेन पोर्शन पूरी मंदिर के अटक का. इन बीच में रशिया शायद ऑन सेवेंथ डे अब अटैक तीन विग्रहों को लेके चला जाएगा ट्रेन में. वो तो जाने के टाइम में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा उसको जसवंत दास पंचसखा था वो अच्छा से लिखे हैं, और कोई इतना डिटेल में नहीं लिखे. आपको मीडिया में पढ़ा के आपको सुना देता हूँ, उसका हिंदी भी आपको बोल दूंगा. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये जो किताब है श्री पुलिन बिहारी पंडा जी के हाथ में, इस किताब का नाम है कल की लीला, जिसके वो खुद राइटर भी हैं. तो आइए सुनते हैं. पहले आप उड़िया बताइए, इसके बाद आप हिंदी में संक्षेप बताएंगे. मंदिरे पश्चिमे झसाई प्राणी को हाणी देवे से ही रहीबे तेनी तही दिन सात शुण तार वृतांत दक्षिण हाते हनुवीर मोड़ थो भोज तार बोधिबे ताकु चक्रधर मर्त वैकुंठ दुईसार समर भूमि नुहे यही मु अच्छी बौद्ध रूप हो सर्व एठार चली जाओ भक्त को आश्वासना दियो. अमरावती युद्धमाटी द्रौपदी रही अच्छी टाकि सात दिन भाव जेते शुणी कहबी शुद्ध चेते छाड़ कमाण गर्जन मरवे लक्ष लक्ष जाण मंदिर कमाणे भांगी बो, कल्प बट को छेद डाल को अनले पोड़ रात्रे पल्लव डाल सर्व सिंधु जे छाड़ गर्जन भरी आसब तत्क्षण श्रीक्षेत्र लीला अवसान अंधार हेब सात दिन. गाड़ी में दारू ब्रह्ममूर्ति आसन चढ़े तड़ती गाड़ी छाड़ब तत्क्षण समुद्र थी गोड़ाइण. इसको निर्घंट एक मालिका है जसवंत दास का. क्या इसका नाम बताइए? निर्घंट जसवंत दास जी का मालिका है वो. उस पर ये वर्णना दिया है. ये लिखे हैं मुस्लिम सैन्य जो आएंगे वो मंदिर में इंटर करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, जाके जो है उधर जितने लोग थे उसको वो मारने की कोशिश करेंगे. और मंदिर के अंदर वो सात दिन रहेंगे. उसी समय जो बोला अभी हनुमान जी आके उसको रोकने का ट्राई करेगा, कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु आके मना करेंगे उसको. तो ये समर भूमि नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र नहीं है, तुम चले जाओ. जाके जो भक्त जो को जिसको कसण आता है, जो कसण भी मिलता है, कष्ट मिलता है, उसको तुम सेव करो. जो भक्त हैं उनको जाके सेव. हाँ, करो. उसके बाद छाड़ी ना कमाना गर्जन मरवे लख लख जानो. टोटल पूरी टाउन एंड ये आपका मंदिर टोटल अटैक होगा भाई टोपो. अच्छा भाई कमान गुड़ी गुड़ा तोप कमान जो है तोप कमान में से अटैक होगा तो भाई बहुत लोग मरेंगे उसमें, लख लख लोग आदमी मर जाएंगे उसमें. अच्छा 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 अच्छा. मंदिर कमाने भांगीब कल्प बट को छेदीब. जो मंदिर उसको तोड़ देंगे वो लोग कल्प बट को काटेंगे. जो अभी बोला था जो पवित्र बट रखे फिर उसको जला देंगे जी. लेकिन नेगेटिव मॉर्निंग में फिर नया पत्ता निकलेगा उसमें से. सिंधु जे छाड़ब गर्जन भरी आसब तत्क्षण श्रीक्षेत्र लीला अवसान अंधार हेब सात दिन. जब ये होगा सेवंथ डे को समुद्र आ जाए आने का चालू हो जाएगा अंदर. तो उसमें से ये बोलते हैं कि ये श्रीक्षेत्र लीला का अवसान हुआ, खत्म हुआ. अच्छा अच्छा. इसके बाद जब श्रीक्षेत्र लीला होगा नहीं लास्ट. और ना जगन्नाथ होंगे ना जगन्नाथ टेम्पल होगा ना कुछ होगा उधर पुरी में. फिर इसके बाद क्या होगा? उसके बाद दारू मूर्ति लेके वो ट्रेन में
उठाएंगे ट्रेन रेलगाड़ी उसमें उसको डालेंगे के तीन मूर्ति को कौन डालेंगे है? कौन डालेंगे रशिया डालेगा। अच्छा रशिया डालने के बाद तो ये जो अटैक होगा क्या ये रशिया के द्वारा रशिया भी आएगा चाइना सब आएंगे। अच्छा चाइना रशिया एंड चाइना सुनिए रशिया और चाइना दे विल एंटर उड़ीसा उड़ीसा के अंदर आएंगे थ्रू पारादीप और कोणार्क जो जलपथ है वहाँ पे समंदर बाकी मुस्लिम सैन्य बाकी तीनों देश दिशा में आएंगे। अच्छा कुछ कुछ दक्षिण से आएंगे कुछ उत्तर से आएंगे कुछ बिहार से देखे पश्चिम से आएंगे। इसका मतलब है कि चारों ओर से ओडिशा को चारों ओर से उत्सव अटैक होगा। अच्छा एक बात बताइए मन में एक डाउट था अगर ओडिशा को ओडिशा तक उन्होंने पहुंच गए वो भी चारों दिशा में तो भारत के अन्य राज्यों में भी अटैक होगा दिल्ली में भी अटैक खत्म हो गया होगा लास्ट उन लोग उस टाइम में अच्छा टोटल इंडिया को दखल कर लिया होंगे। ओके ओके लास्ट का आएंगे ओडिशा को दखल करने के लिए ये वही टाइम का बात है ये समझ गया। गाड़ी रे दारू ब्रह्ममूर्ति आसन चढ़ीबे तड़ती गाड़ी छाड़ब तत्क्षण समुद्र थी गोड़ाइण जैसे ट्रेन चालू होगा आगे बढ़ने चालू होगा समुद्र आ जाएगा आगे आगे गाड़ी चलता रहेगा पीछे पीछे समुद्र भी आता होगा वहाँ के तो मंदिर का जो 22 पहाड़ है उसको दबा देगा वो और उसी दिन से उसी टाइम से 7 days 7 nights 7 days 7 rats अंधेरा होगा। ओके 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 पहला 7 days 7 rats अंधेरा ही है अंधेरा हो जाएगा 7 days 7 rats 3 times होगा 3 times ये पहला टाइम है अंधेरा होने का। पहला टाइम अंधेरा होगा मतलब उसके बाद भी और भी होगा है? तो आप जो बोलेंगे पहला टाइम ये 7 days 7 rats अंधेरा होगा हाँ। तो उसके बाद और एक बार भी होगा 3 times होगा 3 times ओके जो भी बड़ा बड़ा चीज मेन इंसिडेंट होगा हाँ। घटना घटेगा सब तीन बार होगा तीन बार जैसे आद्य मध्य और प्रांत। अच्छा 3 times आपका 7 days 7 rats अंधेरा होगा 3 times आपका प्रलय होगा समुद्र आ जाएगा 3 times सब चीज एवरीथिंग 3 times। अच्छा तो फिर दोस्तों आप सुन रहे हैं अभी पुलिन बिहारी पंडा जी को जो कि मालिका के बहुत बड़े रिसर्चर हैं तो उनका ये मानना है कि जो भी मालिका में जो लिखा गया है कलयुग के अंतिम कालखंड पर जो भी बड़े बड़े घटनाएं घटेंगे वो 3 times होंगे। इसका मतलब है 3 स्तर में हो गए पहला स्तर उसको बोलते हैं आद्य मध्य प्रांत ओडिया में बोलते हैं अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँ तो एक होता है आरंभ है और मध्य में और एक है अंतिम कालखंड में तो 3 times होगा जो भी होगा जैसे 7 days 7 rats वो भी 3 times होगा और क्या होगा सब घटना का हाँ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड राइट आरंभ मध्यम प्रांतम ठीक है ये होगा आपका। फिर उसके बाद क्या होगा इसका जब ट्रेन आया आता है कि बैरी स्टेशन है हाँ बैरी स्टेशन के पास गाड़ी रुक जाएगा बैरी स्टेशन यानी जो छतियाबट की हम बात कर रहे हैं छतियाबट के जो बिल्कुल नियरेस्ट जो रेलवे जो स्टेशन है वो इतना बड़ा स्टेशन नहीं है वो एक पीएस है एक पब्लिक हॉल्ट है उसका नाम है बैरी स्टेशन तो वहाँ पर गाड़ी रुकेगा ये मालिका में ऑलरेडी कई सारे ग्रंथों में लिखा गया है हाँ बैरी स्टेशन में गाड़ी रुक जाएगा वहाँ जो डब्बा कनेक्टेड हुआ था जगन्नाथ जी का ट्रेन से वो टूट जाएगा। अच्छा इंजन के साथ जो डब्बा कनेक्ट था रेलगाड़ी तो लंबा है ना हाँ लंबा है एक डब्बा में जगन्नाथ जी मूर्ति हो गई हाँ प्रतिमा है तो वो डब्बा जो लिंक है ट्रेन के साथ वो टूट जाएगा। अच्छा टूट जाएगा तो इंजन चला जाएगा आगे डब्बा रह जाएगा। ओके 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 तो जो भक्त लोग है उसको मालूम है ऐसा होना तो बाकी डब्बा के साथ ये वाला जो मुख्य जो मेन डब्बा था उसका कनेक्शन टूट जाएगा हाँ। इंजन और बाकी डब्बे वो आगे निकल जाएंगे और बाकी और प्रतिमा के साथ और जो पीछे की डब्बा है वो रुक जाएगा। बस अच्छा फिर उसके बाद फिर भक्त लोग आएंगे प्रभु को तीन मूर्ति को लेके जाएंगे साथ में छतियाबट बिल्कुल छतियाबट क्यों लेके जाएंगे हरिदास जो है छतियाबट का जो निर्माण किए थे वो एक्चुअली चतुर्दान दास का पुनर्जन्म तेरह जन्म लेंगे अभी 13th चलता होगा वो है कहाँ अभी मनीष्वर जो शरीर में है अभी लेकिन उस टाइम में हरिदास भी एक उसमें एक अवतार है
अच्युत का, तो वो प्रार्थना किए थे प्रभु को, जे मेरे जगह में, मेरे समाज समाज पीठ में आप 7 दिन रुकेंगे, ये क्षेत्र बन होगा, यहाँ भी हमारा मिलेगा लोगों को, द्वितीय क्षेत्र बनेगा छत्यावट। छत्यावट सही बात है, उसको बात अच्छे रखने के लिए प्रभु आएंगे छत्यावट, वो भी 7 दिन के लिए। इसका मतलब है कि जो हरिदास संत हरिदास महाराज हैं, तो उनको भगवान का वर प्राप्त हुआ था कि कलयुग में अंतिम कालखंड में ऐसा है, मैं लीला में रचना करूँगा जिसके अवसर पर मैं यहाँ पे आऊँगा। अच्छा अच्छा तो ये भक्त लोग लेके उसको छत्यावट जाएंगे, वहाँ उसका स्थापना करेंगे 7 दिन। 7 दिन बाद सिकेत्र होगा वो, उसी टाइम में सब पंच सखा जो है वो वहाँ होंगे। और ये बलभद्र जगन्नाथ जी जो मनुष्य शरीर में होंगे कल क्रीड़ा करने के लिए, वो भी वहाँ होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 7 दिन 7 रात चलेगा ऐसा लीला चलेगा, लेकिन उसमें जो बीच में संथाट डे। अच्छा, जो 7 दिन की जो बात कर रहे हैं, जैसे वो मालिका में जो लिखा है कि 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, ये उसी 7 दिन की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी 7 दिन का, उसी 7 दिन की बात। हाँ, उसी 7 दिन का अंधेरा, मतलब ये अंधेरा पूरा एकदम दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। अच्छा, ये अच्छा तूफान, जब का इतना जोर से तूफान होगा, उतार बारिश होगा कि दिखाई देगा नहीं। हाँ, जैसे होता है सूर्य चंद्र बादल, बादल जो है वो ढक देता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ये जो 7 दिन 7 रात के जो अंधेरे की हम बात कर रहे हैं, ये प्राकृतिक रूप से होगा या फिर वो मनुष्यकृत होगा? प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक होगा, नेचुरल। तीनों 7 दिन 7 रात प्राकृतिक रूप में होगा। अच्छा अच्छा, आदमी कैसे करेगा 7 दिन 7 रात? नहीं कर सकता ना। अच्छा, साइंस भी नहीं कर सकता ऐसा, सूर्य चंद्र को ढंग तक ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो जब ये ट्रेन जाके जब पहुंचेगा सेकंड डे नेक्स्ट डे सियालदा में, वहाँ वो देखेगा तो नहीं है प्रभु, नहीं है उसमें, ठीक है। फिर लौट के आएगा वो प्लेन, सर्च करेगा प्लेन में कहाँ रुक गया। अच्छा, एक बात, आप जो बोल रहे हैं कि जो ट्रेन वहाँ पे जाएगा, फिर उनको देखने को मिलेगा कि भगवान इसमें नहीं है, महाप्रभु इसमें नहीं है, फिर वो वापस लौट के आएगा, या फिर ट्रेन नहीं आएगा, वो प्लेन में सर्च करेंगे। तो मतलब अब देखिए ना, मतलब युग जो है इतना एडवांस हो चुका है, तो वो अगर शुरुआत के समय पर भी अगर वो प्लेन पर ले जाएंगे, नहीं पाएगा, कर पाएगा वो, क्यों? प्लेन पे प्रभु का माया, वो समझ नहीं पाएगा, उसको माइंड में आएगा नहीं सब चीज। अच्छा अच्छा, अंधेरा हो, थॉट प्रोसेस अंधेरा हुआ होगा, तूफान चलता होगा, बारिश जोर से होता होगा। ओके 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 ओके, मतलब कैसे जाके कौन सर्च करेगा कि क्लाइमेट क्या नहीं है, वो क्लाइमेट कंडीशन इतना सूटेबल नहीं होगा जबकि वो एरोप्लेन फ्लाई कर पाए। बस बस बस, ओके ओके। तो नेगेटिव जब सर्च करेंगे प्लेन में आके, देखते वो दबा उधर ही पड़ा है, लेकिन हवा नहीं है उसमें, फाइन। वो देखेगा छतिया पड़ा है, छतिया प्रभु है, उधर उधर पूजा पूजा चलता है, भक्त का गहली उधर है, बहुत भक्त जमा हुआ है, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में वहाँ पर भक्त जो है एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा यही है, यही है, ठीक है। नेट आके वो अटैक करेगा उसको, जैसे पूरी का अटैक किया था, ऐसे अटैक करेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर अटैक करने से बहुत भक्त मर जाएंगे वहाँ, बहुत सा भक्त मर जाएंगे। 7th डे के रात को वो चाहेगा उसको हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए। अच्छा, लेकिन उसके लेने के पहले बलभद्र और जगन्नाथ जी जो मनुष्य शरीर में होंगे, वो उसको लेके चले जाएंगे। ओके 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 ओके, प्रतिमा को लेके चले जाएंगे। चल जाएंगे, कहाँ जाएंगे?